नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज देशभर के करीब 30,000 टीकाकरण केंद्रों में एक साथ कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया गया। इसी कड़ी में रीवा जिले में 8 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे, जहां से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इस अवसर पर स्थानीय संजय गांधी अस्पताल में बनाए गए कोरोना वैक्सीन केंद्र में सांसद जनार्दन मिश्र और पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल उपस्थित रहे। सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी इंद्रजीत सक्सेना और उपेन्द्र भंडारी को कोरोना का टीका दिया गया, जिसके पश्चात एसएस मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ मनोज इंदुलकर और अधीक्षक डॉ शशिधर गर्ग को टीका लगाया गया। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर डॉ रेलैया राजाटी, निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। इधर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को कोविड 19 के टीके की जरूरत है और कांग्रेस को जीने के लिए पोलियो की जरूरत है, जिसे कांग्रेस पार्टी जीवित रहे। आपको बता दें कि आज टीकाकरण के शुरुआत के दिन रीवा में स्वास्थ्यकर्मी काफी उत्साहित नजर आए। अभी 10 का ग्रुप बना करके कर रहे हैं। एक वैक्सीन में 10 डोज है, 0.5 मिलियन का एक FIML का एक डोज है, तो 10 डोज की एक वैक्सीन है, एक सैंपल है, उसमें 10-10 का ग्रुप करके बनाएंगे। और ये इंद्रजीत जी जो सफाई कर्मी हैं, वो पहले हितग्राही है जिनको वैक्सीन लगाई गई है, 10 लोगों का भी कर रहे हैं। और इस तरह से धीरे धीरे एक चरण में करके करेंगे। और कुछ देखा जा रहा है कि काफ़ी लगाने, हाँ बहुत है। इससे आज अब देश में कोरोना शत्रु को मारने का जो ब्रह्मास्त्र है वो जिले में भी प्रारंभ हुआ है। और निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों को इस बीमारी से तकलीफ पहुंची है, जो लोग बीमार हुए उनके परिजन, और एक जनमानस में पीड़ा का माहौल था, आज इस वैक्सीन के आने से और इसका लगना प्रारंभ होने से वो पीड़ा में काफ़ी राहत आएगी। फिर भी अभी सावधानी, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता है। और मेरी सबसे आग्रह है कि इस जो पुरानी कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन अभी आवश्यक है। आम जनता को कब तक लगेगी? अभी दूसरे चरण में होगा, पहला चरण तो फ्रंटलाइन वर्कर का है, उसके बाद फिर दूसरे चरण में आम जनता को भी मिलेगी। कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी। कुछ नहीं है तो वैक्सीन को लेकर के अफवाह है साहब, तो मतलब इससे दिमागी दिवालियापन है और कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए देश का मनोबल कमज़ोर होता है इससे। केवल अफवाहें करके किसी आप एक आदमी के दिल में भय पैदा करने का सवाल नहीं है, देश के मनोबल को तोड़ने का सवाल है। कोई भी इसका रिएक्शन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार का इसका ऐसा कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आया है। हमें अपने डॉक्टर्स पर, वैज्ञानिकों पर, दुनिया एक 60 देश मांग रहे हैं हमारी वैक्सीन को, WHO सराहना कर रहा है। और अब मैं कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अफवाहें फैला रहे हैं, महज ये एक दुष्प्रचार है और कुछ नहीं है। मेरा सबसे आग्रह है कि आप सब लोग, आपके माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि सुनेंगे, इस तरह का कोई भ्रम न पालें। 100% सुरक्षित वैक्सीन है और इसका पूरा ट्रायल में पूरी टेस्टिंग के बाद ये लाई गई है। ऐसा एक कोई मैंने कॉमन मैन ने इसको नहीं बनाया है, हमारे तो इसका पूरी दुनिया में इसके अप्रूवल होकर के आई है। आप कब लगवा रहे हैं वैक्सीन? अब जब हमको मैसेज आएगा तब लगवाएंगे, बिना मैसेज के तो मिल ही नहीं सकता। कांग्रेस का कहना था कि पहला टीका CM शिवराज लगवाए। अब ये राजनीतिक, आज राजनीति करने का वक्त नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस तो ऑलरेडी पैरालिसिस की ओर है, तो उनको पोलियो वोलियो का टीका वो लगवाएं, कोवैक्सीन का टीका दूसरे लोगों को लगाने दें। मैं तो यही कहूंगा कि वो पोलियो का टीका कांग्रेस वाले लगवा लें, जिससे कांग्रेस पार्टी उनकी बची रहे, बाकी जनता को ये वैक्सीन लगवाने दे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।